साथियों, आज भारत में गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का जिस तरह इंक्लूजन किया जा रहा है, वो नए भारत की नई पॉलिटिकल विल भी दिखाता है और डेमोक्रेसी की डिलीवरी क्षमता का भी प्रमाण है। आज केंद्र, राज्य और लोकल सरकारों की लगभग, ये भी आंकड़ा थोड़ा अजूबा, आज आपके लिए अजूबा होगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनकी करीब करीब 10,000 सेवाएं, 10,000 सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध है। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बीते 7-8 साल में भारत सरकार ने, आंकड़े याद रहेंगे, मैं इतना सारा बता रहा हूं, डरो मत, ये आप ही का पुरुषार्थ है, आप ही की कमाल है। पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे, वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। यानी अब आप जर्मनी में हैं तो आपको बता दूं, 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कहीं कट मनी नहीं। इस वजह से सिस्टम में कितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है और उसके कारण जो भरोसे की खाई थी, उस खाई को भरने का बहुत बड़ा काम इन नीतियों के कारण, इस नियत के कारण और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पाया है।